हाय गाइस, आज मैं चलाने वाला हूँ ई मोटर आर्ट का EMX फुल सस्पेंशन इलेक्ट्रिक ई बाइक साइकिल। तो यहाँ पे भी सस्पेंशन है, यहाँ पे भी सस्पेंशन है, डिस्क ब्रेक्स है, ये है इसकी बैटरी, ये है इसकी BLDC मोटर। चलो राइड करते हैं और आपको इसको फीचर्स दिखाते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले में आते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमें बैटरी का एक स्विच है वो ऑन कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो स्विच है इसको लॉन्ग प्रेस करना है, अब आपकी जो बैटरी वो ऑन हो गई है। बाकी यहाँ से आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं और स्पीड दिखा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी बढ़ाते हैं। इसको दबाएगी तो गियर जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब छोटे स्प्रॉकेट में आ जाएगा पीछे वाला गियर। सो ये रियर स्प्रॉकेट के लिए, ये फ्रंट स्प्रॉकेट के लिए। फ्रंट को भी मैंने रखा है सबसे छोटे स्प्रॉकेट पे, जो कि है पहला स्प्रॉकेट। अब करते हैं इसको चेंज थर्ड पे। तो इसके बाद अभी चल रही 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हॉर्न मिल जाता है आपको ऐसे वाला। तो गाइज, इस साइकिल में आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे क्रूज का ये वाला जो बटन है इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पे क्रूज ऑन हो जाएगा। सो अभी क्रूज ऑन है, मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया, पेडल भी नहीं दे रहा मैं, एंड इट्स मूविंग ऑन इट्स ओन स्पीड। सो गाइज, अभी मैंने डाल दी है बाइक को क्रूज मोड पे। सो जितनी भी स्पीड है उस पे ये मोटर इसको कांस्टेंट चलाते रहेगी। सो 20 और 21 के आसपास यही है, तो इसी स्पीड पे चलती रहेगी बाइक। मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं पेडल मार के थोड़ी बढ़ा सकता हूँ, बट सो गाइज, साइकिल को आप चला के बैटरी ऑफ करके नॉर्मल बाइसाइकिल की तरह भी इजिली चला सकते हैं। स्वीड अब मल्टीपर्पज़, और इतना R&D के बाद ही साइकिल बना मेरे हिसाब से कि यार इसमें हर चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट करोगे इमेजिन कर सकते हो। बट नॉट इज देयर, बैटरी रिमूवेबल है, की से आप इसको रिमूव करके अलग करके घर पे चार्ज कर सकते हो, आपको साइकिल नहीं घुसाना पड़ेगा कहीं पे। सो इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है। और अभी अगर आप नॉर्मल भी इसको साइकिलिंग करोगे ना इस बैटरी के साथ, 23.5 kg का ओवरऑल वेट है और मेरा वेट भी 100 kg के अप्रॉक्सीमेटली है, स्टिल ये साइकिल इतना स्मूथ है चलाने में बिकॉज इसकी एल्यूमिनियम की बॉडी है। टायर्स जो है बहुत हाई क्वालिटी के ऑल टेरेन टायर्स दिए गए हैं, जिनमें फ्रिक्शन भी कम है और जब ग्रिप करने में आते हैं तो ग्रिप भी बहुत अच्छी करते हैं। एंड कितना इजी चल रहा है, और गियर शिफ्टिंग में आप देख सकते कितनी स्मूथ है। अभी मैं गियर शिफ्ट करूँगा, सो आप देखना गाइज, आप देख सकते हैं कितना स्मूथली हो रहा है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। बाकी अब हम करते बैटरी को ऑन। बैटरी ऑन कर दी, इसको लॉन्ग प्रेस करेगी इस बटन को, इट्स ऑन। अब मैं एक्सीलेटर से भी चला सकता हूँ। तो इसका एक्सीलेटर इतना स्मूथ है कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और ये जरा हाफ हाफ साइड है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका कंट्रोल जो है वो पूरा रहता है। आप इसको छोड़ भी सकते हो और ग्रिप पे अपना हाथ भी रख सकते हो स्टेबल। सो आपको सिर्फ अपना जो थंब एंड ये फ्रंट फिंगर है इसको यूज़ करना है, एंड यू आर रेडी टू गो। और इतने सारे फीचर्स है साइकिल में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम कि आप सोचो कि सिर्फ ये नॉर्मल साइकिल है, इसमें क्रूज मोड भी है, वॉक मोड भी है, पेडल्स इस लेवल 1 भी है। मैं पेडल मारूंगा साथ साथ साइकिल मुझे पुश करते रहेगा अप टू स्पीड लिमिट। 2 में थोड़ा ज़्यादा करेगा, जैसे इंक्लाइन है ना, इस इंक्लाइन मुझे खड़ा होना पड़ता है नॉर्मल साइकिल में बिकॉज इट्स प्रीटी डिफिकल्ट। बट इस साइकिल में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ रोडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ रोडिंग में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी बिना पैडल मारे। अगर आप थक जाते हो तो आप बिना पैडल मारे साइकिल को चला सकते हो। एंड मज़ा तो यार सही बोलूँ पैडल सिस्टम में आता है कि आप साथ साथ साइकिलिंग भी करते रहो। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अगर आप पेडल मारना छोड़ देते हो ना तो ये अपने आप स्टॉप हो जाता है। जैसे मुझे अभी ओवरटेक करना, तो मैं एक्सीलेटर पे कर सकता हूँ, सिर्फ एक्सीलेटर दिया एंड आई एम रेडी टू गो। यहाँ से लेके राइट टर्न, ब्रेक्स अल्टीमेटेड मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स है, बट दे परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल्स।
एंड टायर्स को मैंने रफ रोड से चलाया तो कोई पंचर या कुछ दिक्कत नहीं आई, बस आपको जो प्रेशर है वो ठीक रखना है, बाकी कोई इशू नहीं है इसमें। ड्यूल सस्पेंशन है, थोड़ी सी आवाज़ आती है क्योंकि ये एक पुराना साइकिल हो सकता है, आप देख सकते हैं 356 किलोमीटर चल पड़ा है, डेमो साइकिल है जो काफ़ी रफ भी यूज़ हुआ है, बट इसमें कोई सस्पेंशन जो वो अपना काम पूरा अच्छे से करते हैं, मतलब दे आर रियली सॉफ्ट और अपने से ना डैम्पिंग बहुत अच्छी है इनकी, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू विल लाइक अबाउट दिस साइकिल। और कुछ लोगों को शौक होता है व्हीली का जितना मैंने देखा है, अब हम व्हीली भी आपको उसको उठा के दिखाएंगे कि व्हीली उठा पाता है। सबसे पहले गियर करते शॉर्ट, तो आप व्हीली भी काफी इजीली उठा सकते हैं इसमें। गाइज आपने देखा अभी मुझे अच्छे से व्हीली आती है, बट स्टिल आप इसमें उठा सकते हो व्हीली, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस साइकिल।